नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लंच बॉक्स के YouTube चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला की रेसिपी। इसके लिए हम एक कप भिंडी चॉप कर लेंगे और अच्छे से धो कर चॉप करने के बाद भिंडी को सुखा लेंगे। एक एक इंच के टुकड़े में काटेंगे भिंडी को। गैस को ऑन कर लेते हैं, पैन चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर। इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, या घी ले सकते हैं, या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। मीडियम हॉट गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम अपनी भिंडी को और लगभग 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। और साथ ही साथ हम एक मसाला बनाएंगे जिसमें होगा 3 टेबल स्पून दही। उसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, ये तीखी नहीं होती है एकदम। और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर। ये हमारे पूरे मसाले मिल गए हैं। अब इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे, खूब अच्छे से दही में लम्स न रहें, अच्छे से फेंट लें। इसको मिक्स करें अच्छे से। हम सारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। भिंडी भी हमारी फ्राई होने के लिए लगभग लगभग 60-70% कुक हो जाएगी। ज़्यादा कुक नहीं करना है, भिंडी का कलर ख़राब नहीं करेंगे। भिंडी हमारी लगभग 60% कुक हो गई है। इसको अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। उसी तेल में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने दें। जीरा जब अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हम इसमें फिर ऐड करेंगे 1 कप के करीब लगभग फाइनली चॉप अनियन। जीरा लगभग लगभग तैयार है। इसमें मिर्च भी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। हरी मिर्च थोड़ी सी स्पाइस के लिए। 1 कप के करीब इसमें डालते हैं प्याज चॉप किया हुआ अच्छे से। हल्का सा नमक स्प्रिंकल करते हैं और प्याज को अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच पे, जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। जब प्याज धीरे धीरे पक के गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। प्याज हमारा लगभग पक के तैयार होने वाला है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें मिला देते हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भूनें, एक अच्छी सी मस्त सी खुशबू निकल के आएगी। जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का ये लगभग लगभग तैयार है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे अपने दही वाले मिक्सचर को, मसाले को, लगभग आधा कप के करीब। इसको अच्छे से मिलाते रहें, फ्लेम को एकदम लो रख दें। दही फटनी नहीं चाहिए, अगर फ्लेम कम रहेगी तो दही कभी नहीं फटेगी। हाई फ्लेम पर दही डालेंगे आप किसी भी ग्रेवी में बनाने के लिए तो दही फट जाएगी और सारी ग्रेवी का टेक्सचर बिगड़ जाएगा। इसको अच्छे से चलाते रहें और इस दही और जिंजर गार्लिक और प्याज के मिक्सर को लगभग 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। क्या अच्छा कलर आया है देखिए मसालों का, दही का भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू है। अच्छे से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करें बढ़िया एकदम। अच्छे से बीच बीच में इसको चलाते रहें, स्टर करते रहें, मसाला जलना नहीं चाहिए। बीच बीच में ऐसे हमेशा चलाते रहें इसको। धीरे धीरे मसाला जब पकेगा तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे धीरे धीरे ऑयल निकल रहा है इससे मसाले से। इसको अच्छे से भूने 5 मिनट के लिए। पानी लगभग लगभग सूख गया है, तेल सभी ऊपर आ गया है मसाले का निकल के। अब इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 कप के करीब पानी। 1 कप के करीब पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से स्टर करें, अच्छे से मिलाएं। आंच को मीडियम फ्लेम पे कर लें, पकने दें ग्रेवी को अच्छे से। ग्रेवी में लगभग धीरे धीरे उबाल आ चुका है। अब देखो ग्रेवी कितनी अच्छे से पक रही है। इसको बीच बीच में स्टर करते रहेंगे आप, लगभग 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे बढ़िया। लेकिन
ग्रेवी अब धीरे धीरे लगभग तैयार है। इसमें हम अपने फ्राई किए हुए भिंडी को मिला देते हैं और स्टर करते हैं इसको, इसे मिला दें, ढक्कन लगा देते हैं इसको, अच्छे से पकने देते हैं। 3-4 मिनट का समय लेगा ये भिंडी पकने में। देखो लगभग तैयार हो गया है बनके, कितना अच्छा कलर और कितना लाजवाब इसका स्वाद आता है। कभी बना के ट्राई करें पराठे आप पूरी के साथ। प्लेटिंग कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा भिंडी का कलर, ग्रेवी का कलर, धनिया पत्ता के साथ गार्निश करेंगे। ये है भिंडी मसाला की रेसिपी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब YouTube चैनल लंच बॉक्स।